देख लिया जब ह्यूमंस का आया तो डर लग गया। न्यू बॉर्न बेबी, मंथ का बेबी, सिक्स मंथ का है। 145 का शो था, पता नहीं अब टिकट्स मिलेंगे या नहीं। यहाँ के थिएटर देखो, ये मैडम जी बोलते नहीं शॉपिंग जरूरी है, भूखे मर जाएंगे वो। देखो देखो भूखे मरना है चलेगा। सो मॉर्निंग हो गई है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी जो है हम लोग उडुपी सिटी घूमेंगे पूरा, और इसके बाद अगर मूड हुआ, अगर आफ्टरनून में फ्री रहे तो हम लोग भूल भुले या मूवी के लिए जाएंगे। अभी रूम से बाहर आए, फिलहाल देखते ब्रेकफास्ट करते हम लोग। ब्रेकफास्ट तो था आई गेस, बट हम लोग सोचे कि बाहर का कुछ अच्छा खाते करके। तो लेट्स कम आउट एंड विल चेक इट आउट व्हाट इज देयर। सामने बस स्टॉप है, होटल से बाहर निकलते राइट हैंड साइड में जो लोकल बस है ना यहाँ पे, जैसे प्राइवेट गवर्नमेंट की बसेस अलग है, उसका एक आगे स्टॉप है। यहाँ पे प्राइवेट बसेस चलती है जो नॉर्मल इसमें चलती है, प्राइवेट बसेस एज अ गवर्नमेंट फेयर में, जैसे 1-2 रुपये ज़्यादा रहता है वैसे चलती है ये। बट बहुत अच्छा है, बस की फैसिलिटी भी अच्छी है, कंटिन्यूसली हर 10-10, 15-15 मिनट में फैसिलिटी है यहाँ। पूरा मार्केट तो ओपन हो गया है, विलेज से कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते एक बार। प्राइवेट भी बसेस है यहाँ पे, प्राइवेट बसेस कैसे दिखती है देखो, सारी कलरफुल है। और जो कि लोकल एसटी बसेस है वो देखो ऐसी दिखती है। कॉरपोरेशन बैंक हेरिटेज म्यूजियम, हम लोग जो है कॉइन म्यूजियम में आए, यहाँ पे कॉरपोरेशन बैंक है, वहाँ पे अंदर ना बहुत सारे कॉइन म्यूजियम है। तो लेट्स चेक आउट म्यूजियम था ना, हेरिटेज म्यूजियम कॉइन्स का, स्पेशली बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉइन्स है वहाँ पे। तो वहाँ पे एंट्री पे सिक्योरिटी ने हम लोगों को बोल दिया कि मास्क कंपलसरी है, मतलब मास्क का प्रोटोकॉल अभी भी फॉलो अप हो रहा है यहाँ पे। तो अभी कैसा है, अभी हम लोग मास्क लेंगे और मास्क लेने के बाद वापस से वहाँ पे जाएंगे। वेरी नाइस म्यूजियम, बहुत ही अच्छा म्यूजियम है, इतना अच्छा म्यूजियम है ना, अंदर वीडियो शूटिंग रिकॉर्डिंग कुछ भी अलाउड नहीं है, बट मस्ट विजिट। तो जो कॉरपोरेशन बैंक के फाउंडर है ना, ये उनका पहला घर था। तो हमने कॉइन यूज़ करना शुरू भी नहीं किया था तब तक का स्टोरी है कि बार्टर सिस्टम में ग्रीन कैसे हमने एक्सचेंज किया, फिर मेटल मिला, यहाँ तक के फिश हुक्स वगैरह भी जो हमने एक्सचेंज किए थे वो तक का सिस्टम लगा के रखा है। स्टैम्प पेपर हमारे इंडिया के ही नहीं, इवन इंटरनेशनल मनी वगैरह, इट इज़ आई कैन से इट इज़ अ ट्रेजर ऑफ द वर्ल्ड, विच इज़ एन अमेजिंग कलेक्शन बीन सेंड ओवर हियर। हम जो बैटरी यूज़ करते हैं लेड का, एवरी थिंग इज़ बीन स्टोर्ड, मतलब अपने को ऐसा पता चल रहा है हम जो आज मनी यूज़ करते हैं वो ईजी मनी से लेकर जो हार्ड मनी उन्होंने बनाया था, मशीन्स नहीं था, किंग्स के कॉइन मिंटेड है, महात्मा गांधी जी, विक्टोरिया क्वीन, एवरी वन का कॉइन, यूनिक यूनिक कॉइन, यहाँ तक के वर्ल्ड बिगेस्ट कॉइन जो है 1000 टर्न का, इवन वो तक अंदर उसका फोटो है, अमेजिंग मेंटेन किया हुआ है विथ अ वेरी लिमिटेड स्टाफ, बट यूनिक थिंग्स। हमें लगता है कि हम सारी चीज़ें मॉडर्न विल्स एंड फैंसीज के देखने जाते हैं, ये हमारा ट्रेजर है जो मस्ट वॉच है उडुपी में अगर आप आते हो। बेस्ट पार्ट इज इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी कॉस्टिंग भी नहीं है और पर्सनल अटेंशन। ये बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने हम लोग को अटेंड किया, बट इतना सुपर उसने हम लोग को सारा एक्सप्लेनेशन दिया ना। 5000 रुपीज़ का नोट था, इतना बड़ा, मेरे पाम से भी बड़ा साइज, सिर्फ इतने पकड़, 10,000 का नोट था, इंडियन नोट, बहुत ही अच्छा। ब्रिटिशर्स का भी था जो बैन किया था, वैसे बैन के हिसाब से जो फिर 10,000, 5,000 का नोट था वो भी बैन किया था, वो भी बताया उसमें। तो पूरा सर्कल में आपको सारी चीज़ें मिलेगी, सारी चीज़ें, मतलब जितने कॉइन्स थे क्या क्या थे उसके अंदर, कैसे बैन किया। बात बताऊँ, हम हमेशा कॉइन्स यूज़ करते हैं, हमें नहीं पता होता वो कॉइन्स बने कहाँ पर है एक्चुअली। हाँ, हमको लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कॉइन एक्चुअली मिंट कहाँ पे हुआ और हमें कैसे पता चल रहा है कि वो बॉम्बे में हुआ, हैदराबाद में हुआ, कि इवन लंडन मैक्सिको में भी इंडिया के कॉइन बनते हैं, तो उसके मिंटिंग मार्क्स है और जो फाउंडर है उनका पूरा स्टोरी का एक स्कैनिंग है, वो उसके, सारी उसके मार्क कैसे थे अपना, जो मुंबई में बने हैं ना उसमें डायमंड शेप बने हुए, जो कॉइन ईयर लिखा रहता है ना उसके नीचे डायमंड शेप बने हुए, और जो हैदराबाद में बनता है उसके ऊपर स्टार मार्क का सेंटर में, जो ईयर लिखा रहता है ना उसके सेंटर में स्टार। उसके बाद नोएडा का भी था, तो नोएडा का कैसा था, फुल स्टॉप था, एक बड़ा फुल स्टॉप एग्जैक्ट जो ईयर लिखा है उसके नीचे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताया उसके।
सो फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग मूवी देखेंगे। इतना गांव खेड़े में घूम के आए, 145 का शो था, पता नहीं अब टिकट्स मिलेंगे ही नहीं। यहाँ के थिएटर देखो, ये यहाँ का थिएटर है, डायना थिएटर, डायना टॉर्किस बोलते हैं इसको। तो अब लेट्स सी अंदर जाते, देखते टिकट्स मिलता है कि नहीं, और शो चालू हो गया शायद। तो अंदर देखो जैसे कोई है ही नहीं, हम अकेले अपने। सो हमेशा की तरह अच्छा हो गया। मूवी देखते हैं, शो निकला कन्नड़ा में, सो नाउ द हिंदी शो टाइम इज 4:15 एंड 7:15। सो यहाँ से मणिपाल घाटी टू 1.5 किलोमीटर। सो मेन हुआ क्या, मैं बताता हूँ। हम लोग गए अंदर पूछने के लिए, उसने बोला शो है कितने बजे का, 4:15 एंड 7:15। नहीं नहीं, अभी जो चल रहा है वो कन्नड़ा में, अभी जो शो था ना 1:45 का, वो कन्नड़ा में था। तो और अगर हिंदी शो चाहिए तो उसके लिए 4:15 और एक 7:15 का शो है जो हिंदी शो है। तो उसके लिए हम लोग ने डिसाइड किया कि यहाँ से हम लोग मणिपाल जाएंगे। मणिपाल इस फेमस है हॉस्पिटल्स के लिए, और आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी फेमस है। और वहाँ पे एक गार्डन है 4000 ट्रीज का। तो हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग वहाँ जाते पहले। सो उड़ीपी का पूरा गाँव घूमते घूमते अभी हम लोग मेन रोड तक जा रहे हैं, फिर वहाँ से हम लोग को जो भी गाड़ी मिलेगा, जो भी व्हीकल, बस, रिक्शा, कुछ भी जो भी मिलेगा वो लेके हम लोग मणिपाल जाएंगे। तो गांव का एनवायरनमेंट इतना मस्त है ना यहाँ पे, सुपर एकदम शांति है। बस जो गाड़ी वीडी आ रही है उसी का आवाज़ है खाली, बाकी गांव के घर देखो यहाँ पे सुपर एकदम मस्त है, और इतनी शांति है ना, फुल बर्ड्स की आवाज़ वगैरह देखो। म्यूजियम ऑफ एनाटॉमी ऑफ, एनाटॉमी पैथोलॉजी। उसके बाद अभी इसका तो बहुत अच्छे से देख लिया, जब ह्यूमंस का आया तो डर लग गया, न्यू बॉर्न बेबी, मंथ का बेबी, 6 मंथ बेबी कैसे ग्रोथ होते, उनका स्केलेटन वगैरह सारी चीज़ें दिखाया था, देख के डर गए हम लोग। तो हम लोग जल्दी जल्दी बाहर आ गए जल्दी से देख के। बट एज अ साइंस स्टूडेंट्स अगर कोई विजिट करता है तो काफ़ी नॉलेजेबल है, काफ़ी नॉलेजेबल, उसके अंदर अब काफ़ी नॉलेज मिलेगा आप लोग को हर चीज़ों के लिए। ये है मणिपाल यूनिवर्सिटी, जो हम लोग टीवी वगैरह में देखते हैं ना एडवर्टाइजमेंट आता है, ये है मणिपाल यूनिवर्सिटी। हम लोगों को पता चला 4:15 का शो है तो कैनरा मॉल आ गए हम लोग। ये देखो कैनरा मॉल आ गए, यहाँ पे 4:15 का शो है, फटाफट जाके टिकट बुक करेंगे और शो देखेंगे, भुलभुलैया 2। कभी कोई कराया क्या तूने? फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, कुछ आउट स्टेशन पे आगे हम लोग मूवी देख रहे हैं। काफी अच्छा मॉल है मैकडोनल्ड अंदर। पिज्जा हट है, शॉपिंग वगैरह के लिए भी काफी अच्छा है। सो वी आर एट वेणुगोपाल टेम्पल।
सो वी आर बैक टू उडुपी। मैडम जी भगा भगा के लेके आई, चल तो चलो 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 जल्दी। 10 मिनट भी नहीं लगा मणिपाल से यहाँ पे आने के लिए, इतना भगा के लेके आई हम लोग को। मैं बोला कुछ खा के वहीं पे चलते चलते, नहीं पहले चलो होटल पे जाएंगे फिर देखेंगे। अभी आए यहाँ पे, अभी नाउ वी विल गो टू द मार्केट बिकॉज यस्टरडे सो हैपेंड दैट 9 o'clock मार्केट सारे बंद हो गए थे, मुझे करनी है शॉपिंग इसीलिए मैं भागा। और अभी होटल ढूंढेंगे खाने के लिए भी, उधर मस्त होटल था सब जगह ऑन द वे। और ये मैडम जी बोलते नहीं शॉपिंग जरूरी है, भूखे मर जाएंगे वो। चलो देखो देखो भूखे मरना है चलेगा, नहीं नहीं शादी हुई है ऊपर से बोलते है। इट्स ओके, पॉकेट खाली होना जरूरी है, आइसक्रीम खाएंगे उसके बाद चलते हैं।